बैड बॉय ऑफ बॉलीवुड। जी हाँ, बैड बॉय। बैड बॉय द ब्रांड अमित दत्ता, द ओरिजिनल बैड बॉय ऑफ बॉलीवुड स्वागत करता आज आप सबका फॉर द रिव्यू ऑफ 2.0 साउथ सुपरस्टार रजनीकांत, हमारे खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार, एमी जैक्सन, सेंसेशनल दीवा ऑफ बॉलीवुड, शंकर द ग्रेट फिल्म मेकर जिन्होंने रोबोट फिल्म बनाई थी और ब्लॉकबस्टर बनाई थी, भूल गए क्या? नहीं भूले, भूलना भी मत। इस फिल्म को 550 करोड़ के बजट में बनाया गया है, पर यह फिल्म 10,000 करोड़ का धंधा करने के काबिल है। इस फिल्म को मैं देता हूं 5 स्टार। मैं मगन मुक्त हो गया था थिएटर में जब मैं फिल्म देख रहा था। सच अ ट्रमेंडस ट्रीट। वीएफएक्स को कैसे यूज करना चाहिए कोई शंकर साहब से सीखे। करण जौहर ने क्या प्रमोशन किया भाई, मजा आ गया। अक्षय कुमार इन अ नेगेटिव रोल, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी उनके हिसाब से, पक्षियों के लिए पॉजिटिव, आम आदमियों के लिए नेगेटिव, बट माइंड ब्लोइंग। और रजनी सर क्या कहने, वाह वाह वाह, मजा आ गया देख के इस फिल्म को। कितना झूठ बोलू। इतनी रद्दी फिल्म है, मेरा मन कर रहा था अपने सर को ठोकने से अच्छा जो 4-5 लोग और बैठे हैं थिएटर में उनको ठोकूं। कोई सर पैर नहीं है फिल्म का। कभी अक्षय कुमार साला पक्षी बन जाता है, कभी क्या बन जाता है आपको पता नहीं लगेगा। मैं ज्यादा स्टोरी नहीं स्टोरी है ही नहीं बताऊं क्या। बच्चा पैदा हो रहा है, चोंच मारती है एक पंछी और वो चिंता हो जाता है, मर चुका है वो पैदा होके, इसलिए अक्षय कुमार पक्षियों का फैन हो जाता है और बुढ़ापे में जाके लटक जाता है उनके लिए, क्योंकि मोबाइल की रेडिएशन उन्हें मार रही है। पता नहीं किस साले ने फिल्म बनाई है, कोई दुश्मनी है भैया एयरटेल से, आरकॉम से, आइडिया से, वोडाफोन से। इतनी घटिया रद्दी फिल्म है भैया, मेरा ना सर दर्द हो गया थिएटर के अंदर। मैं अपने आप को जलील महसूस कर रहा था। मैं ये महसूस कर रहा था कि अगर कोई प्राणी अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को फिल्म दिखाने ले जाएगा, वो किस कदर गिर जाएगा उनकी नजर में। उसके बच्चे बोलेंगे भैया तू बाप कहलाने के लायक नहीं, तू एक पाप है, तू घर में पाला हुआ एक सांप है। अगर आप जलील होना चाहते हो अपने घर वालों के आगे, तो इस फिल्म को दिखाने उन्हें जरूर ले जाना। साला 2D 3D का धंधा चला रखा है इस फिल्म का, ये रेट वो रेट, थर्ड क्लास फिल्म है। कहानी सारी ये है, करण जौहर बनना चाहता है, संजय लीला भंसाली और राजकुमार हिरानी जैसा महान, या वो बाहुबली का जो डायरेक्टर था राजमौली उसकी तरह, कि भैया मेरी भी फिल्म में 1,000-2,000 करोड़ का धंधा करे, क्योंकि इसकी फिल्म ने जिंदगी भर 100-125 करोड़ का ऊपर धंधा नहीं किया। फिल्म ये शंकर की है, पर डिस्ट्रीब्यूशन में मास्टर ये बना हुआ है कि मैं बाहर ये करूंगा वो करूंगा। स्क्रीनें इतनी दी गई हैं आप सोच नहीं सकते, रीजनल सिनेमा की, इंडियन सिनेमा की, अब्रॉड सिनेमा की, पर ये फिल्म इस तरह औंधे मुंह गिरेगी। 550 करोड़ लगाए हैं इन्होंने इस गंद में। मुझे शर्म आ रही है इसका रिव्यू देते हुए, मैं बैठ नहीं पा रहा था थिएटर के अंदर। मेरा मन कर रहा था साला किसी को मारूं और तोड़ूं बन के जवान धर्मिंदर,
अब वाला बूढ़ा घुसटनी जवान धर्मिंदर, दिमाग खराब हो गया मेरा, अपनी सोचने समझने की शक्ति खो चुका हूं मैं इस फिल्म के बाद, बनाया कैसे सलाए। शंकर जब रोबोट वन बनी थी, ऐश्वर्या राय थी, डैनी साहब थे, रजनी बढ़ाऊ भी तब ठीक था, पर अब तो यार VFX का ये सोच रहे हैं कि भैया हम ना एवेंजर्स की क्वालिटी में पहुंच गए, तुम्हारी वो औकात ही नहीं है सालो। ऊपर से यार ये क्या एक्टिंग चल रही है, अक्षय कुमार ने सिर्फ नोट बटोरने के लिए फिल्म की है कि मैं अपनी और 10-12 बॉलीवुड फिल्में इस पैसों से बना लूंगा, वरना उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा इस गंद में। रजनीकांत बूढ़ा खूसट गंजा खत्म हो चुका है, उसको पता है उसको क्यों घड़ीस रहे हो इतना, और एमी जैक्सन को एक्टिंग का आता पता नहीं है। इतनी घटिया रद्दी फिल्म है, अपने पैसे बर्बाद मत करना, घर में बैठो। मैं देता हूँ इस फिल्म को 0 स्टार। 0 इसलिए क्योंकि 550 करोड़ की बर्बादी की गई है इस फिल्म में। हजारों हिंदुस्तान के परिवार पल सकते थे अगर ये पैसा उन पे खर्चा जाता, पर मैं फुद्दू नहीं बनने दूंगा अपने देश के लोगों को कि वो जाके सड़ी फिल्म देखे और इनके नोट और जेब में धरे। 0 स्टार, 0 रेटिंग, बिजनेस रेटिंग भी मेरी 0 है, क्योंकि मैं ऐसे दुर्गंध ऐसे गंद की कोई बिजनेस रेटिंग देना नहीं चाहता। जो मर्जी स्टार्ट इसे मिले, तरनदार जैसे दलाल पैसे लेके जो मर्जी भोंके, जोगिंदर टोटेजा जैसे दलाल जो मर्जी भोंके, पर ये फिल्म एक हाइप के बाद, 1-2 दिन के बाद ऐसी गिरेगी कि इनको याद आएगा। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान से बड़ी डिजास्टर ये प्रूव होगी, ये हमारा वादा है। आपका होस्ट, आपका दोस्त, द ब्रांड अमित दत्ता, द लिविंग लेजेंड, द बैड बॉय ऑफ बॉलीवुड, बैड बॉय, BAD, ब्रांड अमित दत्ता, ब्रांड अमित दत्ता, एक ही है ब्रांड और एक ही बात करता है ग्रैंड। सड़ी हुई फिल्म से अपने आप को बचाओ और अमित दत्ता के हमेशा के लिए बन जाओ, दुआओं में याद रखना।